वाला बहुत चॉप बड़ी चॉप ना क्या नाम सुने थे सर? हाँ नाम सुने हैं। क्या पहले बहुत खाते थे? जिंगी चॉप। जिंगी चॉप क्या सर? जिंगी चॉप नहीं, ये नहीं जिंगी चॉप नहीं सुने। सब तो मैं दिखता है जिंगी चॉप। अच्छा वो किस चीज से बनता है? मटन से बनता है। देखिए बिहाइंड द सीन अभी दिखा रहे हैं ये लोग शॉर्ट्स जो बना रहे हैं। ये है बिहाइंड द सीन। साथ गाइज आज हम लोग का सुबह थोड़ा लेट से हुआ क्योंकि आज संडे था और संडे पे सारे लोग घर पे रहते हैं जिसके कारण काम काफी लेट से होता है सारा शुरू। तो आज मतलब काम खत्म करने के बाद हम लोग दोनों फ्रेश वगैरह फ्रेश होने के बाद पहुंच चुके हैं आपके पास गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। आप देखो हमें अभी स्नान किया, देखो मेरे बाल पूरे भींगे हुए हैं। आना भी लेट होता है, आज आना भी लेट से तैयार हुए सारे लोग। आना भी अभी तैयार हुई है, क्या किए देखो, तैयार से ज्यादा बीमार लग रही है। तो गाइज हमारी सुबह हो चुकी है और ऐसा कि आप लोग जान रहे हैं आज है संडे, तो आज कुछ ना कुछ तो फन बनता है। फंडे संडे मतलब ये फंडे। अब आज क्या क्या फन होने वाला है ये जानने के लिए तो आपको हमारे पूरे ब्लॉग को देखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन आज कुछ स्पेशल चीज है, आज स्पेशल गेस्ट से हम लोग आपको मिलवाने वाले हैं। आयान का नया गेस्ट आ चुका था कल रात में ही, बट हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए। हम लोग सोचे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह करवाएंगे। तो आयान लेके आपने, तो हमारे घर जो नया मेहमान आया है उससे हम लोग चलिए आपको मिलवाते हैं। तो गाइज हमारा जो नया मेहमान है वो यही है आयांस का पैरोट। तो बताओ कुछ कहना चाहोगे? ए लड़का तुम ही से पूछ रहे। मैं बोल रहा था ना कि ये ना इतना जहरीला है। जहरीला? नहीं 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 नहीं, ये काटता है तो मुझे नहीं काटता है, लेकिन मैं डालूंगा यही बोला था। तो गाइज देखो ये पैरोट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आयांस का ये फरमाइश था तो मैं लेके आई थी आयांस के लिए। और ये आप लोग ये मत सोचना कि मैं इसे रखूंगी, बस मैं आयांस को बोली कि 2 मंथ के लिए हमारे पास है। 100 हाँ 10 मतलब 2 मंथ के लिए हमारे पास ये रहेगा, फिर उसके बाद इसे हम लोग आजाद कर देंगे क्योंकि मैं पंछियों को बंद करके नहीं रख सकती। और अभी ये नया है तो इसे उड़ाना अभी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उसके बाद फिर इसको उड़ा देंगे, फिर नया लाएंगे आयांस के लिए। तो ये मेरे घर में नया मेहमान आया है, देखते हैं नया मेहमान हम लोगों के घर में कितने अच्छे से रहते हैं। और आयांस रात से ही हमको लगता है मतलब मेरे घर में जितने फ्रूट्स थे सब खत्म हो चुका है, तो अभी मेरे हाथ में फ्रूट्स ही है तो आयांस सारा फ्रूट्स खिला चुका है। तो देखते हैं खाएगा। तो एनिमल्स रखना मुझे अच्छा लगता है बट मैं बर्ड कभी नहीं रखी हूँ अपने घर में, पहली बार आयांस के लिए मैं लेके आया क्योंकि आयांस का डिमांड था। मैं पढ़ाई करूंगा तो जितना भी आप गेट खोलो वहाँ पर पहुँचेंगे। हाँ आयांस बोला इसको बेवकूफ। तो गाइस देखिए हमारे घर पे कौन रह, ये आप हटिए। तो गाइस हमारे घर में अन्नी रहने के लिए आई है, वो भी 3 दिन के लिए। तो हमारे 3 दिन की गेस्ट है ये, इसको हम इन लोगों को भी हम लोगों को पूरा मजा दिलवाना है। तो इसको हम लोगों को पूरा मजा दिलवाना होगा क्योंकि बोली मौसी तुम लोग मस्ती करती हो, मुझे बस वही मस्ती करने के लिए जाना। ये हम लोग का ब्लॉग देखती थी और बहुत ललचती थी कि काश हम भी वहाँ पे रहते और आप लोग इस साथ एंजॉय करते। मम्मी तुम्हारी बहन देखो क्या खा रही है, चिकन खा रही है, हमको इंडा नहीं खिलाती है, इंडा नहीं खिलाती है। तो एक्साइटेड है 3 दिन के लिए, हम लोग पूरा मस्ती करेंगे, टेंशन नहीं लो तुम। चलो पूरा पार्टी करेंगे, मम्मी पापा का याद नहीं आएगा तुम। ऐसे भी घूमने आई है, ऐसे भी नहीं आए मम्मी से रिटायर्ड हो के आई, बोली मम्मी अब तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, हम जाते हैं मौसी के यहाँ 3 दिन रहेंगे आराम से।
वानी आई है 3 दिन हम लोग के साथ रहने के लिए, देखते हैं हम लोग क्या क्या मस्ती कर पाते हैं क्या। हाँ, ठीक है, और आज से ही हम लोग मस्ती शुरू होने वाला है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो गाइज अभी 3 बज गया है शाम के, और अभी मैं इनके लिए खाना लेके जा रही हूँ। सोए हुए हैं, उनको उठाएंगे, खाना खिलाएंगे, फिर हम लोग कहीं निकलेंगे। तो आज के खाने में है दाल है, चावल है, बैंगन का भाजा है, आलू परवल की सब्जी है, चिप्स है, फिंगर चिप्स है, और एक बॉयल्ड एग है। तो अभी मैं जल्दी से उनको खाना दे देती हूँ, फिर हम लोग चलेंगे एक जगह पे। तो ये जा चुका है पार्टी, आयांश को करिएगा पार्टी अन्नी दीदी के साथ। तो दो अन्नी दीदी को भी दो सारा चीज, दोनों का होगा अलग अलग, एक अन्नी दीदी एक आयांश। हाँ, लेकिन रैपर सब इसी में डालना है, ठीक है, रैपर इधर उधर नहीं डालना। जो जो खाना खाओ ले, सब रैपर उसी पे डालना, ठीक है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7, और फाइनली एक्चुअली मैं थोड़ा सा सो गई थी इसलिए इसके कारण लेट हो गया। ये जाके मैं विक्की को उठाने के लिए भेजी, ये उठाते उठाते खुद सो गई। एक्चुअली क्या हुआ कि बाबू को सुनाते सुनाते जानते हो माँ को बस उसी समय थोड़ा सा समय मिलता है, तो झपकी लग गई। फिर मैं जल्दी से हड़बड़ी में उठी, तो मैं नीचे आई हूँ, और अभी फिर हम लोग निकल रहे हैं। और अब हम लोग सब निकल रहे हैं, देखिए तो हमारी कार वहाँ पे रेडी है, और अभी मोटर चला दी है, हम लोग को तो 5 मिनट वेट करना पड़ रहा है, बस हम लोग निकल रहे हैं, वरना हम लोग फिर धरा जाएंगे, मार खाएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग चलते हैं अन्नी को घुमाने के लिए। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं सत्संग के पास में। गाइस यहाँ पर बहुत ही कोई फेमस दुकान है जो मैं बहुत दिनों से खाती हूँ, इन लोग से छुपाते छुपाते, जो आज इन लोगों को भी बताऊंगी कि मैं कहाँ खाती थी। तो आपको देख के चलते हैं वो दुकान, बहुत वहाँ हम लोग खाने वाले हैं वहाँ की स्पेशल पकौड़िया, बहुत वैरायटीज है वहाँ पे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या बना है। चलिए, यहाँ पे कितनी भीड़ है, ये मतलब यहाँ पे जो है ये फेमस दुकान है यहाँ का। बहुत दिन के बाद आए हैं, बोले कि चलो ले चलते तुमको उनके दुकान में, और यहाँ बहुत ही यहाँ का टेस्टी टेस्टी सब पनीर पकौड़ा है कि पनीर होती है शिमला मिर्च वाला खत्म हो गया। टमाटर ये क्या है? पनीर। अच्छा पनीर का। और ये वाला? ये वाला टमाटर। ये आलू है, बंदा गोभी है। अच्छा ये बंदा गोभी है। तो गाइस ये पनीर वाला ये आप लोग को लेट कर दिए, हाँ वो हम लोग लेट कर दिए, पता नहीं था। कितने लोग हम लोग? 1 2 3 4 5 ये 5 ये ले लीजिए, 5 ये और आलू भी ले लीजिए। तो गाइस हम लोग फाइनली डिसाइड कर लेंगे हम लोग को क्या क्या लेना है। तो हम लोग ले रहे हैं ये पनीर पकौड़े, आलू के पकौड़े, ये मिर्ची वाले पकौड़े, और ये कैबेज वाले पकौड़े। ये भी 5 दे दीजिए। तो ये बंदा को भी कैसे थाली करो दादा, ये देखिए गाइस यहाँ का मेनू है। आप लोग इसमें जितने भी सारे पकौड़े लगे हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। कोला बहू चॉप, होली चॉप, नाम सुने चेसर? हाँ नाम सुने हैं, हम लोग यहाँ पहले बहुत खाते थे। गिंगी चॉप, गिंगी चॉप कर लो। गिंगी चॉप नहीं, नहीं ये नहीं, गिंगी चॉप नहीं सुने, बिकता है गिंगी चॉप। अच्छा वो किस चीज से बनता है? मटन से बनता है। अच्छा मटन से, बम चॉप, बम चॉप, बम चॉप, इतने वैरायटी के जो है बम चॉप। लोटे मास का चॉप है, सुनिए लोटे मास का चॉप है। आप लोग का 5 पनीर दिए, हां अच्छा फिश चॉप, फिश चॉप, हां 5 आलू, फिश चॉप समझ गए क्या हुआ, फिश हम समझ गए, मछली मछली था। अच्छे अच्छे मछली का चॉप है बंगाल में, छह दे दीजिए कुत्ते, एक और दीजिए। पनीर को यहां पे घोड़ा है।
घर जाने तक का वेट नहीं किया, रास्ते में रोक के बोलो जहाँ चाय बन रही वहीं पे खाएंगे हम लोग, तो अब मुझे सर्व करना होगा यहीं पर इन लोग के लिए। देखिए श्रुति को देखो, हे गाइस, अभी हम लोग आए हुए हैं बम्पास टाउन में, एक बहुत ही फेमस चाय की टपरी है, वहीं पे भी आए हैं, वहीं चाय बन रहा है। कहाँ पे ये एग्जैक्ट लोकेशन? ये माँ तारा इंडियन गैस ऑफिस के पास ये चाय की टपरी है, वहीं से हम लोग चाय भी लिए हैं ऑर्डर, चाय बन रहा है, चाय पी के आपको बताएंगे। एक्चुअली बहुत फेमस है इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, आपको दिखा सकते हैं, देखिए मेरे पीछे हनुमान जी की मंदिर है, जस्ट उसी के सामने ये चाय की टपरी आप देख सकते हैं। देखो गाइस, यहीं पर मुझे सबको निकाल के देना पड़ रहा है, और कोई भूखा नहीं बोलता कि इसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, हम लोग खा के रहेंगे। सब भूख से बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका था। वहाँ देखिए, यहाँ देखिए स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए सूरती, ये देरी नहीं करना चाहिए, सिर्फ चटनी नहीं दी। ये अन्नी का भी स्टार्ट हो चुका है, और अयांश तो अंदर में लगा हुआ है। इस पे जो एक चटनी मिलती है ना, ये वाली चटनी, वो और मजेदार है, बहुत तीखी चटनी है, जो बिकी नहीं खा पाएंगे। देखता है श्रुति को, देखा लोग की चाय भी आ चुकी है और ये चाय पी रहे हैं बिकी। चाय आ गया हम लोग का, हाँ तो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। हम लोग की नाश्ता शुरू हो चुकी है, लेकिन हम लोग चाय पीने के बाद, हाँ हम लोग चाय, इनका तो चाय भी शुरू हो गया, इनका नाश्ता भी खत्म हो चुका है। और श्रुति पूरे कैसे खाते हैं, ये है कैबेज वाली पकौड़ी, इसमें इसको डिप कीजिए, साथ में मिर्ची वाला पकौड़ा। ये तब से मिर्ची के पीछे पड़ी हुई थी, बोले तो मुझे मिर्ची वाला पकौड़ा खाना। देखे अन्नी कैसा लगा पनीर पकौड़ा? अच्छा। और ये वाली भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी, दोनों अच्छी लगी, तीनों अच्छी लगी तुम्हें? तो आज तो मिर्ची वाली नहीं ली? नहीं, तो तीखा लग रहा है। ओ तो आहना को तीखा, सॉरी अन्नी को तीखा लग रहा था, और चाय पी रहे हैं तो आयांश देखो कुछ नहीं खा रहा है, देखो ऐसे बैठा हुआ, देखो आयांश चाय बहुत टेस्टी था, भाभी नहीं पी रही थी, फिर इनको लास्ट में जबरदस्ती बोले कि थोड़ा सा पी लीजिए, बहुत अच्छा चाय है। हाँ सही में बहुत अच्छा चाय था, मैं भी पी लास्ट में छोटे वाले कप में पी। आप लोग भी आपके यहाँ पे एक बार जरूर चाय टेस्ट कीजिएगा। हाँ, ये आप कहाँ पर है ये बता दिया एड्रेस वो? अच्छा एड्रेस बता दिया गया। सही में चाय बहुत अच्छी थी, बहुत दिन के बाद। ये हमारे सब्सक्राइबर भी है, हाँ ये हमारे सब्सक्राइबर भी है, और खैर चाय बहुत अच्छी थी। बस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और अब हम लोग देखते हैं घर जाते हैं या कुछ और काम करते हैं, लेकिन अब हम लोग घर को ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो सीधे आपको घर पे मिलते हैं। हम लोग घर तो पहुँच गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि देख सकते हैं कि यही एक रास्ता है जहाँ से हम लोग गाड़ी को घुमाते हैं और अपने घर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे अब देखिए कोई तरीके से गाड़ी लगाया है कि हम लोग गाड़ी अब कैसे अंदर ले जाए। हम लोग जा रहे हैं गाड़ी को ठेलने के लिए। आइए देखिए ममता दी को स्पीड में आती हुई। अरे रुको रुको, हाँ हाँ, तो गाड़ी को धक्का मारते हुए दो पठान जा रहे हैं, देखिए अब गाड़ी को धक्का लगेगी। तो गाइस हम लोग घर आए हैं, और देखिए अभी रात के 9 बज रहे हैं, और यहाँ पे भाभी तैयारियां कर रही है क्योंकि अभी हम लोग शॉर्ट्स बनाने वाले हैं। गाइस देखिए बिहाइंड द सीन अभी दिखा रहे हैं ये लोग, शॉर्ट्स जो बना रहे हैं, ये है बिहाइंड द सीन। देखिए आना का हाल, आना जो है पहचान नहीं पा रही है अपनी मम्मी को, इन्हें पहचान। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 10, और हमारा शूट कंप्लीट हो गया है, बहुत मजा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और मेरा शक्ल तो खैर देख ही रहे होगे आप लोग व्लॉग। कैसा था भाभी? तो गाइस अभी भाभी आहना की मालिश कर रही है, और अब मैं इन लोगों को डिनर दे देती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे घर में डिनर में क्या बना है। गाइस आज के डिनर में है तड़का है, आलू का भुजिया है, रोटी है, और थोड़ा सा प्याज कट कर दिए हैं। तो अब इन लोगों को जल्दी से खाना दे देते हैं, फिर मैं भी खा लूंगी, फिर सोना भी है गाइस। तो गाइस
गाइस हमारा डिनर हो गया है कंप्लीट और हम लोग जा रही हूं अभी तक उनका बचा हुआ है तो आज आपको एक नया आदमी बोल नया मेंबर हम लोग बोले थोड़ी सो बड़ा शौक था कि आप लोग जय हिंद कर लिए हम लोग नहीं बचा हुआ है जय हिंद तो गाइज होप कि हमारा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा हम लोगों ने तो आज बहुत मस्ती की होप कि आप लोग भी देखने में बहुत मस्ती करोगे तो फिलहाल हम लोग अपने आज के ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड फिर आपसे मिलेंगे अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले तो गाइज फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट जय हिंद।